गाइस, मेरा नाम है जीशान और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेसिकली ये मेरा सेकंड वीडियो है, पहला वाला वीडियो तो आप लोग ने देखा ही होगा। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा अमेजिंग रिस्पॉन्स आएगा इसका। और जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था पिछले हफ्ते, तभी जो मेरा फ्रेंड है निखिल, जो कि एक यूट्यूबर है, उसको भी कहा था कि प्लीज़ इसे अभी शेयर मत करना, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि इसमें कितना नेचुरली लोग इसे देखते, इसे लाइक करते, इसे शेयर करते। और बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आया है, अभी तक शायद 7,50,000 व्यूज़ ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो बेसिकली पहला मैं आप लोग को ये बता दूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर या कोई प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ। मैं बस, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रति जिम्मेदारी है कि जो 6 महीने में जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जो मैंने सीखा है, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँ। सो गाइज, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है 6 महीने में, और आप कैसे कर सकते हो ये ट्रांसफॉर्मेशन। सो बेसिकली 3 चीज़ें, सबसे पहला आता है वर्कआउट, दूसरा आता है डाइट, और तीसरा आता है डिसिप्लिन। तो अभी डिसिप्लिन मतलब क्या? अब डिसिप्लिन मतलब कि जैसा कि आप वर्कआउट करने जिम में गए, ठीक है, अब आप वर्कआउट कर रहे हो, एक सेट आपने किया, अब उसके बाद आप 10 मिनट खड़े हो गए फ्रेंड के साथ, अरे बातें कर रहे, ये कर रहे, ऐसा थोड़ी होता है वर्कआउट। आप जब एक सेट किया है आपने, तभी आप एक काम करो, एक टाइमर लगाओ कि 1 मिनट का मुझे ब्रेक लेना है, गेट रेडी फॉर द सेकंड सेट। आपके माइंड को सेट करो, क्योंकि पूरा खेल लेना है ये, जो वो पूरा माइंड का है। और वर्कआउट के बाद जब आप डाइट कर रहे हो, तो डाइट में भी आपको एकदम डिसिप्लिन रहना है, जैसा कि टाइमिंग्स रखो कि मुझे ये मील अभी खाना है, इसके बाद ये खाना है। मालूम पड़ा आप कुछ खा रहे नहीं हो बराबर टाइम पे, अगर आप आपकी डाइट में बराबर प्रोटीन नहीं ले रहे हो, कार्ब्स नहीं ले रहे हो, फैट्स नहीं ले रहे हो, तो आपकी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। और हाँ, एक बात तो बताने भूल ही गया, मेरे को इतने सारे DMs आ रहे, इतने सारे मैसेज आ रहे, जीशान भाई आपकी डाइट बताओ, आपका वर्कआउट प्लान बताओ। देखो फ्रेंड्स, हर एक इंसान की लाइफस्टाइल अलग है, उसके गोल्स अलग है। मैं कैसे दे दूँ आपको मेरी डाइट, है ना? मैं आपको मेरी डाइट तो नहीं दे सकता हूँ, आपको इसके लिए थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है? अब मेहनत कैसा, मेरे हिसाब से तो आप एक कोच हायर कर लो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए। अगर आप कोच हायर भी नहीं कर सकते हो, तो मैं बोलता हूँ गूगल, सबसे बड़ा कोच। आप फाइंड आउट करो कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है, आपको कितना कार्ब्स लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट्स लेना है, उस हिसाब से आप आपकी डाइट सेट करो, आपका वर्कआउट प्लान सेट करो। कितने सारे वर्कआउट PDF प्लान पड़े हुए इंटरनेट पे, आप देखो कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, कौन सा आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है, फिर देखो आप। देखो भाई, अभी हम बात करते हैं डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन किस तरीके की? जैसा कि आप लोग ने वीडियो में देखा है, ठीक है, कि ऋषान ने उसकी बर्थडे का केक नहीं खाया, उसकी वाइफ की बर्थडे का केक नहीं खाया, निखिल के बर्थडे का केक नहीं खाया। मेरे को बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे कि अरे भाई, इतने से केक खाने से क्या होगा? होगा कुछ नहीं, बट मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना था। उसी तरह आपको भी डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। मान लो कि आप दिन की 5 चाय पी रहे हो, ठीक है, या 5 कॉफ़ी पी रहे हो, तो आप धीरे धीरे उसको कम करिए। जैसा कि आप अगर 5 पी रहे हैं, तो एटलीस्ट उसको 2 करिए, 3 करिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप फुल स्टॉप लगा दीजिए उसको, पर एटलीस्ट ट्राई टू फॉलो लिटिल डिसिप्लिन। देखो गाइज, अभी एक काम करो आप नोट डाउन करो। मान लो कल से, ठीक है, आप एक शेड्यूल बनाइए सबसे पहला तो आपका, कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने बजे वर्कआउट करना है, इतने बजे काम पे जाना है, इतने बजे सोना है। जब तक आप शेड्यूल नहीं बनाओगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। और हर इंसान की लाइफ में मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ स्ट्रेस होता ही है, ठीक है, और सबसे बेकार साइड इफेक्ट स्ट्रेस का होता है मोटापा, ठीक है। आप अगर जिम में जा रहे हो, तो जब आप वर्कआउट करते हो, तो आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, ठीक है, और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे, तो आपका काम में मन लगेगा, आपकी फैमिलीज के साथ मन लगेगा, आपके फ्रेंड्स के साथ मन लगेगा। और मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, एक अच्छी लाइफ जीने के लिए भी आपको वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। सो ये 3 चीज़ों की वजह से मैंने अपना गोल हासिल किया है। अगर मैं कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। एक्सक्यूजेस तो ज़रा भी नहीं चलेंगे भाई, करना है मतलब करना ही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँ, जो जिसमें सिंपल से ट्रिक्स हो, टिप्स हो, जो मैंने सीखा है। और हाँ, एक और बात बता दूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल डाइटिशियन या प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर नहीं हूँ, मैं वही चीज़ बता सकता हूँ जो मैंने सीखा है, ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। तो बाय बाय गाइस, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, सही है ना?